गौरव वल्लभ के बाद कांग्रेस के एक और प्रवक्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उस प्रवक्ता को गुजरात से चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया था, लेकिन उन्होंने पहले ही टिकट लेने से इनकार कर दिया। हम बात कांग्रेस के प्रवक्ता रहे रोहन गुप्ता की कर रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस ने अहमदाबाद पूर्व सीट से उम्मीदवार बनाया था। रोहन गुप्ता ने मार्च में ही कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। उन्होंने कांग्रेस के संचार विभाग के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से लगातार मिल रहे अपमान और चरित्र पर सवाल उठाने के भी आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम जाहिर नहीं किया था। तब रोहन गुप्ता ने कहा था कि उनकी वामपंथी विचारधारा के कारण उन्हें यह सुनिश्चित किया जाए कि सनातन धर्म के अपमान पर पार्टी चुप रहे, जो बाद में मुझे व्यक्तिगत रूप से चुभी है। इसने पार्टी की छवि और पार्टी के नेताओं को मनोबल को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता की तरफ से जो बातें कही गई हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। गौरव वल्लभ की तरह रोहन गुप्ता ने भी सनातन को आधार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा। रोहन गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कितने विरोधाभास हो सकते हैं, एक संचार प्रभारी हैं जिसके नाम में राम है। जब सनातन का अपमान हो रहा था, तब उन्होंने हमको कहा कि चुप रहो। देश के नाम का उपयोग करके एक गठबंधन बनाया, लेकिन उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। अपने बयान में रोहन गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछले 60 साल तक कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद इसलिए मिला क्योंकि वे राष्ट्रवाद पर चले। उन्होंने सनातन का सम्मान किया, उनकी तरफ से औद्योगिकीकरण पर जोर रहा, लेकिन पिछले 2 सालों में कांग्रेस की कमान घमंडी लोगों को दे दी गई। अगर हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमें सनातन के अपमान के खिलाफ चुप रहने के लिए कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि लोग ऐसी बातों को खरीदेंगे भी? आपने तो उस अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाया जिसे खालिस्तानी और भ्रष्टाचारी कहा गया था, अब कैसे उनके लिए वोट मांगेंगे आप? आपके सत्ता के लालच के लिए कांग्रेस क्यों अपना नुकसान करे? खास बात यह कि गौरव वल्लभ भी सनातन धर्म के अपमान की बात उठा चुके हैं। वल्लभ ने लिखा था कि पार्टी आज जिस प्रकार की दिशाहीन होकर चल रही है, उससे मैं खुद को मैं असहज महसूस कर रहा हूं। मैं न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और न ही सुबह शाम देश के लिए वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।